मिस्टर नीतीश कुमार हैज लेफ्ट द इंडिया अलायंस एंड ही इज गॉन टू द बीजेपी. वो तो हमने क्लियरली बोला है जाति जनगणना हम लागू कर देंगे. दैट्स फाइन, वी विल फाइट इन बिहार एज द इंडिया अलायंस. जहां भी हमारी सरकार है हम जाति जनगणना कर रहे हैं. कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है. आदिवासी जो है और दलित जो है उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे. कांग्रेस का भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है. राहुल गांधी का जो रूप दिख रहा है, सबको लग रहा है कि राहुल गांधी का कद जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होने वाला है. झारखंड में ये न्याय यात्रा है और झारखंड में 14 लोकसभा सीट है और 14 लोकसभा सीट पर 12 लोकसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है. उस 2 लोकसभा सीट बचा हुआ है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का जो रूप दिख रहा है झारखंड में, मानिए कि पूरा जनसैलाब पड़ा है राहुल गांधी को देखने के लिए, राहुल गांधी को सुनने के लिए. और राहुल गांधी जब मीडिया से बात कर रहे हैं तो जातिगत जनगणना पर बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी है, जाति जनगणना जो है वो पूरे देश में जो है वो कराई जाएगी. तेलंगाना के मुख्यमंत्री से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कह भी दिया कि तेलंगाना में ये काम शुरू भी हो है, प्रोसेस पे है. और राहुल गांधी कह रहे हैं कि किस तरीके से जो 50% का आरक्षण का जो दायरा है उसको बढ़ा दिया जाएगा और किस तरीके से आरक्षण बढ़ाया जाएगा, जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, उस पर क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए. वो तो हमने क्लियरली बोला है जाति जनगणना हम लागू कर देंगे. कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है. जहां भी हमारी सरकार है हम जाति जनगणना कर रहे हैं. 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर है, तो हम हटा देंगे. रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है हम उसको खत्म कर देंगे. और आदिवासी जो है और दलित जो है उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे. और आखिरी बात सुनिए, जो इसमें 2 चीजें हैं और. एक है कि जनरल कास्ट के भी गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी नहीं छोड़ना है. और सबसे जरूरी बात, एंड मोस्ट ऑफ द अदर मेंबर्स हु आर पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस आर स्टिल मेंबर्स ऑफ द इंडिया अलायंस. ऑफ कोर्स मिस्टर नीतीश कुमार हैज लेफ्ट द इंडिया अलायंस एंड ही इज गॉन टू द बीजेपी. यू कैन गेस एज टू व्हाट द रीजंस आर फॉर हिम लीविंग. दैट्स फाइन, वी विल फाइट इन बिहार एज द इंडिया अलायंस. So I don't agree that lots of our partners are not, you know, part of the alliance. तो सुना आपने, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, आरक्षण पर खुलकर बोल रहे हैं. नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गए हैं उस पर भी खुलकर बोल रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि हाँ, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अब अलग हो चुके हैं, एनडीए में जा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कमजोर हो गए हैं, हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे. और अब तो एक और बड़ा जो है सामने कंपटीटर हो गया है, यानी नीतीश कुमार, उनसे भी लड़ना है. तो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं हुआ है, इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है और मजबूती के साथ लड़ेगा. राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से होते हुए झारखंड गई है और अब झारखंड से उड़ीसा की तरफ जाएगी. और ये न्याय यात्रा जो है, उनका मानना है कि बेरोजगारी की जो बीमारी है देश से, उसे भगाना है, जड़ से उखाड़ना है. और कद जिस तरीके से बढ़ रहा है, सबका मानना है कि राहुल गांधी की वजह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होने वाला है. एक तरफ सदन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देश की जनता का प्रवाह करते हुए, देश की जनता की जो प्रवाह चिंता है वो राहुल गांधी को सता रही है. और उसके लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हैं और न्याय यात्रा के तहत वो सबसे मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से जाति आधारित जनगणना भी होगी और 50% आरक्षण का जो दायरा सीमित कर दिया गया उसको बढ़ा दिया जाएगा. अब आगे देखिए क्या होता है. बहरहाल इस खबर में इतना ही. मनोरमा हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप.